स्वागत है आप सबके अपने चैनल रिंकू की रसोई में। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आम के मीठे अचार की रेसिपी। तो इसे आज हम गुड़ में बनाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने 1 kg के करीब आम लिया है। तो सबसे पहले हम आम को अच्छे से छील लेते हैं। आम का मीठा अचार बनाने के लिए दोस्तों हमें कच्चा आम की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने कच्चा आम लिया है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आम को अच्छे से छील लिया है। आप देख सकते हैं आम को छीलकर मैंने इसको अच्छे से धो लिया है और धोने के बाद इसको मैंने कॉटन के कपड़ा से इसके पानी को सुखा लिया है। आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। इसके पानी को मैंने अच्छे से साफ कर दिया है। अब हम दोस्तों आम को कट करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आम को कट कर लिया है। आप देख सकते हैं इसको मैंने इस तरीके से काटा है, ये देखिए। और इसमें क्या क्या मसाले पड़ेंगे आइए देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा हींग लिया है। हींग डालने से आम का मीठा अचार है, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर लिया है, 1 चम्मच हल्दी का पाउडर, 1/2 चम्मच मैंने यहाँ पर भुना हुआ जीरा लिया है, 2 तेज पत्ता लिया था इसको मैंने कट कर लिया है, और थोड़ा सा पंचफोरन लिया है। यहाँ पर मैंने 1 kg गुड़ लिया है दोस्तों। 1 kg आम में हम 1 kg गुड़ डालेंगे। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। चलते हैं चूल्हे की तरफ। यहाँ पर मैंने कढ़ाई को अच्छे से गर्म कर दिया है। इसमें हम 2 चम्मच तेल डालेंगे और तेल को हम अच्छे से गर्म हो लेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, अब हम इसमें तेजपत्ता डाल देंगे, पंचफोरन को भी डाल देंगे और इसे हल्का सा सॉटे करेंगे। यहाँ पर तेजपत्ता और पंचफोरन हल्का सा सॉटे हो चुका है, तो इसमें अब हम कटे हुए आम को डाल देंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैंने आम को दोस्तों 5 से 6 मिनट तक अच्छे से भून लिया है। इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे। यहाँ पर मैंने 1/2 चम्मच नमक डाला है। नमक को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक डालने के बाद दोस्तों फिर से मैंने 2 से 3 मिनट तक आम को भून लिया है। इसमें अब हम गुड़ को डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गुड़ डालने के बाद इसमें हम लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे, हल्दी पाउडर भी और भुना हुआ जीरा भी, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हमें दोस्तों पानी नहीं डालना है, बिना पानी के इसको पकाएंगे। अगर हम इसमें पानी डाल देंगे तो ये जो हमारा गुड़ का मीठा अचार है लंबे समय तक नहीं जाएगा। 5 मिनट हो चुके हैं दोस्तों, चलिए ढक्कन हटाकर हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए गुड़ हमारा एकदम से गल चुका है। ये जो गुड़ है दोस्तों अच्छे से पिघल चुका है, आप देख सकते हैं। ये देखिए इसमें से दोस्तों खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। तो इसको हम फिर से हम 8 से 9 मिनट के लिए ढक देंगे। 15 मिनट हो चुके हैं दोस्तों, चलिए ढक्कन हटाकर फिर से हम चेक कर लेते हैं। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक बार इसको हम चेक करेंगे हमारा आम जो है पका है कि नहीं। एक बार दोस्तों हम आम को चेक कर लेते हैं हमारा आम पका है कि नहीं। ये देखिए आम हमारा अच्छी तरीके से पक चुका है, आप देख सकते हैं। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। यहाँ पर दोस्तों हमारा गुड़ामा बन करके तैयार हो चुका है। आप इसे आम का मीठा अचार भी बोल सकते हैं। तो इसे अब हम एक बाउल में खाली करेंगे। इसका कलर दोस्तों देखने में कितना बढ़िया लग रहा है और खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट लगने वाला है। तो आप इस रेसिपी को दोस्तों घर पर एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। बच्चे हो या बड़े सभी मांग मांग कर खाएंगे। तो आपको हमारी यह रेसिपी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल रिंकू की रसोई को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ अगले वीडियो में वो भी एक मजेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।